चमोली जिले के लाता गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। खास बात तो यह है कि लाता गांव में 12 वर्षों के उपरांत मां नंदा द्योरा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मां नंदा ने दर्जनों गांव का भ्रमण कर सभी क्षेत्र के स्थानीय लोगों को आशीर्वाद दिया। एक माह के मेले में आखिरी पड़ाव में मां नंदा अपने निवास स्थान अपने ससुराल पहुंची, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने सुंदर पारंपरिक झुमेलू नृत्य मां नंदा को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किया। वहीं अंतिम दिन मेले में बद्रीनाथ विधायक श्री राजेंद्र भंडारी एवं उनके साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने मां नंदा के दर्शन प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट नवीन भंडारी की UK 24x7 के लिए चमोली से। मां नंदा का देवरा हो रहा है और करीब करीब एक महीने तक घाटी में पूरा भ्रमण रही। माता जी का बहुत प्रभाव है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत बरदाइनी भी है और माता से जिसने भी मनौती मांगी है उसकी हमेशा मनौतियाँ पूरी हुई है। मैं भी यहाँ कई बार आया हूँ और माँ के दरबार में कई बार मैंने मनौतियाँ मांगी है, हमारी भी मनौतियाँ पूरी हुई है। इसलिए पुनः आज माँ के दरबार में आने का मौका लगा, उनका आशीर्वाद लेने का मौका लगा और ऐसी माता ऐसी उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिली।